बालापुर नाम के एक गांव में संतोष नाम का एक सिविल इंजीनियर रहता था। वो गांव में ही छोटे मोटे काम करता था। उसके काम के लिए जो भी मशीनरी लगती थी वो गांव के ही एक आदमी पुरुषोत्तम से किराए पर लेता था। पुरुषोत्तम के पास सभी टाइप की मशीनरी रहती थी। एक दिन की बात है, संतोष को कुछ मशीनरी की जरूरत पड़ती है। वो पुरुषोत्तम के पास जाता है। पुरुषोत्तम जी, मुझे कल स्लैब डालने के लिए सीमेंट मिक्सर ट्रक की जरूरत है। हाँ हाँ संतोष, ट्रक तो खाली पड़ा है, लेकिन इस बार किराया ज्यादा पड़ेगा। मंजूर हो तो लेकर जाओ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं कल सुबह ही आकर लेकर जाऊंगा ट्रक। पुरुषोत्तम हमेशा संतोष से मशीनरी का ज्यादा किराया लेता था। ऐसे में फिर से एक दिन संतोष को स्लैब के काम के लिए सीमेंट मिक्सर की जरूरत रहती है। वो पुरुषोत्तम के पास जाता है और कहता है, पुरुषोत्तम जी, कल मुझे फिर से आपके सीमेंट मिक्सर ट्रक की जरूरत है। अरे संतोष, कल तो सीमेंट मिक्सर ट्रक नहीं मिलेगा, वो तो पहले ही दूसरे इंजीनियर ने बुक कर ली है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें चाहिए तो उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। नहीं नहीं पुरुषोत्तम जी, मुझे कल किसी भी तरह काम पूरा करना है। अगर आपका सीमेंट मिक्सर नहीं है तो दूसरे से ले लूंगा। ऐसा कहकर संतोष चला जाता है। लेकिन पुरुषोत्तम को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। संतोष दूसरे गांव से सीमेंट मिक्सर लेकर अपना काम करता है। कुछ दिन बाद संतोष को एक बड़ा रोड कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसके लिए उसे ज्यादा सीमेंट मिक्सर की जरूरत होती है, और इस बात का पुरुषोत्तम को पता चलता है। संतोष फिर से पुरुषोत्तम के पास जाता है। पुरुषोत्तम जी, मुझे एक बड़ा रोड कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसके लिए आपके सीमेंट मिक्सर ट्रक की जरूरत है। आपका जो किराया है वो मैं आपको दे दूंगा। पुरुषोत्तम पहले से ही संतोष के ऊपर गुस्सा था, और इस वजह से वो अपने मशीनरी को ज्यादा किराए से संतोष को देने की कोशिश करता है। वो कहता है, अरे संतोष, मैं तो तुम्हें सीमेंट मिक्सर दे दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे काम में 50% की हिस्सेदारी चाहिए। अरे ये क्या बात है पुरुषोत्तम जी, अपना किराया लो बस, ये हिस्सेदारी की बात कहां से आ गई? देखो भाई, अगर मशीन चाहिए तो मुझे हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, नहीं तो मशीन तुम किसी और से ले सकते हो। संतोष बड़ी मुसीबत में पड़ता है और पुरुषोत्तम से कुछ दिनों का वक्त लेकर चला जाता है। संतोष घर आकर सोचता रहता है, तभी उसका भाई सचिन अपने भाई को इतना परेशान हुआ देखकर उसे पूछता है, अरे भाई क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो आप? अरे सचिन क्या बताऊं, वो पुरुषोत्तम मशीनरी किराए से देने के बदले में हिस्सेदारी चाहता है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? भाई आप इतना परेशान मत हो, मेरे पास इस मुसीबत का हल है। वैसे भी मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री कब काम आएगी? सचिन शहर से कुछ सामान लेकर आता है और उससे एक बड़ा सा मिक्सर पॉट जैसे पॉट बनाता है और उसमें एक बड़ा सा मिक्सर भी लगा देता है, और अपने दिमाग से उनके पास रखे एक पुराने ट्रैक्टर को सुधार कर उसमें अपना नया बनाया हुआ जायंट मिक्सर उसे जोड़ देता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा ट्रैक्टर जायंट मिक्सर तैयार होता है। ये देखकर संतोष खुशी से पागल होता है। दूसरे दिन काम की जगह पर पुरुषोत्तम आकर खड़ा रहता है और जैसे ही संतोष आता है वो उसे कहता है, क्यों संतोष, अकल ठिकाने आई कि नहीं, अब बिना सीमेंट मिक्सर के कैसे काम करोगे? अरे पुरुषोत्तम जी जरा उधर तो देखो। पुरुषोत्तम देखता है एक बड़ा सा ट्रैक्टर जायंट मिक्सर से काम तेजी से शुरू है। ये देखकर पुरुषोत्तम अपने सर पर हाथ रख देता है और वहां से चला जाता है। राजस्थान के एक गांव में धनुष और प्रमोद नाम के दो भाई रहते थे। वे दोनों कोई काम धाम नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनके पिताजी को बड़ी ही तकलीफ रहती थी। उनके पिताजी हमेशा दोनों से कुछ काम करने की बात करते रहते, लेकिन वे दोनों यही सोचते कि आखिर वो क्या काम करे। इसलिए एक दिन धनुष और प्रमोद दोनों काम के लिए शहर जाते रहते, लेकिन थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद धनुष की तबीयत एकदम खराब हो जाती है। बहुत धूप होती है, उसे प्यास भी लगी रहती है, लेकिन पानी ना होने की वजह से वो चक्कर आकर नीचे गिर पड़ता है, और कोई वाहन ना मिलने की वजह से प्रमोद धनुष को अपने कंधे पर उठाकर घर लेकर आता है। फिर एक दिन धनुष सोचता रहता है, तभी प्रमोद आता है और उसे कहता है,
अरे धनुष, क्या सोच रहे हो इतना डूबकर? अरे भाई, क्या काम करे, बस इसी बारे में सोच रहा हूँ। काम के बारे में क्या सोच रहे हो भाई? अरे यही कि कब हम काम करेंगे और कब पिताजी के सामने खुद को साबित करेंगे। अगर ऐसी बात है तो सोचना छोड़ दो, क्योंकि यह सब कभी शुरू नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? अरे ये गांव ठहरा दूर दराज में, कोई काम धाम है नहीं इस गांव में। तुम ही बताओ क्या कर सकते हैं इस गांव में पैसे कमाने के लिए। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम ही कुछ करें। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तो बताओ हम क्या कर सकते हैं। हमारे गांव में बहुत गर्मी पड़ती है और यहाँ ठंडी हवा का मजा भी नहीं मिलता। हमेशा लोग ठंडे पानी और ठंडी हवा के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं। क्यों ना हम चलता फिरता स्विमिंग पूल बनाकर आसपास के गांव में और मेले में टिकट लगाकर लोगों को स्विमिंग के मजे दे। अरे वाह, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये करेंगे कैसे? वो देखो गांव के बाहर से जाती हुई ट्रेन की पटरी, उसी पटरी से हम अपने गांव में जाने के लिए एक नई पटरी जोड़ देते हैं और गांव से लेकर आसपास के सभी गांव और शहर से आने जाने का रूट तैयार करते हैं और ट्रेन के साथ कुछ डिब्बों में पानी भरकर उसे स्विमिंग पूल बना देते हैं और टिकट लेकर उसमें एंट्री देते हैं। अरे वाह, ये आइडिया तो सही में बहुत अच्छा है, तो चलो काम पर लगते हैं। दोनों काम पर लगते हैं। कुछ ही दिनों में ट्रेन की पटरी तो तैयार होती है, लेकिन पटरी पर चलाने के लिए उनके पास ट्रेन ही नहीं रहती और यहाँ आकर वो दोनों मायूस होकर बैठ जाते हैं। तभी गांव के एक बुजुर्ग उनके पास आते हैं। वो कहते हैं, अरे तुम दोनों ऐसे मायूस क्यों बैठे हो? क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं चाचा जी, हम दोनों ने ट्रेन स्विमिंग पूल बनाने के लिए इतनी मेहनत से ये पटरी तो बिछाई, लेकिन उस पर चलाने के लिए हमें ट्रेन ही नहीं मिल रही। बस यही सोचकर चुपचाप बैठे हैं। बस इतनी सी बात? चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बूढ़े चाचा जी दोनों को गांव के बाहर थोड़ा दूर तक लेकर जाते हैं। चलते चलते तीनों एक नदी तक पहुँचते हैं। धनुष और प्रमोद देखते हैं कि एक ट्रेन और एक मालगाड़ी उस नदी में गिरी हुई है। चाचा जी कहते हैं, ये देखो बेटा, कई सालों पहले अंग्रेजों के जमाने में यहाँ पर एक मालगाड़ी और एक पैसेंजर गाड़ी में टक्कर हुई थी। वो टक्कर इस नदी की पुल पर हुई और दोनों ट्रेनें नदी में गिर गई। उस दिन के बाद इस ट्रेन की तरफ किसी ने नहीं देखा और ये दोनों ट्रेनें यहीं पर पानी में पड़ी पड़ी सड़ रही है। तुम दोनों समझदार हो, आगे क्या करना है जानते हो। अरे देखो धनुष, ट्रेन के ऊपर हम उस मालगाड़ी की डिब्बों को जोड़कर उसमें पानी भरकर स्विमिंग पूल तैयार कर सकते हैं। सही कहा भाई, चलो काम पर लगते हैं। धनुष और प्रमोद दोनों मिलकर ट्रेनों को नदी से बाहर निकालते हैं और गांव में लेकर आते हैं। दोनों मिलकर उस पैसेंजर ट्रेन के ऊपर मालगाड़ी के डिब्बों को जोड़ देते हैं। आखिर में ट्रेन को पटरी पर रखते हैं और वापस नदी पर जाकर ट्रेन के ऊपर बने स्विमिंग पूल में पानी भरते हैं और गांव में लगे मेले में लेकर जाते हैं। प्रमोद जोर जोर से पुकारने लगता है, आओ आओ मेले में स्विमिंग पूल का आनंद लो, चिलचिलाती धूप से ठंडक पाओ, सिर्फ 10 रुपए में ठंडे ठंडे पानी से स्विमिंग का मजा लो, घूमते घूमते सफर करते हुए स्विमिंग का मजा लो। ट्रेन स्विमिंग पूल देखकर सभी लोग बड़े ही अचंभित होते हैं और ट्रेन के ऊपर लगे स्विमिंग पूल में तैरने लगते हैं। उन्हें देखकर बाकी के लोग भी ट्रेन के पास स्विमिंग का मजा लेने आते हैं और देखते ही देखते धनुष और प्रमोद दोनों भाई एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं और वहां पर लगे हुए मेले में अपनी ट्रेन चलाते हैं और अच्छा खासा रुपया कमाने लगते हैं। ये देखकर उनके पिताजी भी बड़े ही खुश होते हैं। समुद्रपुर नाम के एक शहर में राजेंद्र नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। राजेंद्र एक नारियल बेचने की दुकान चलाता था, लेकिन वो अकेला नारियल बेचने वाला नहीं था। उसके सामने ही एक दूसरा नारियल बेचने वाला भी था, उसका नाम जगदीश था। जगदीश एक कपटी इंसान था। दूसरों की दुकान बंद करने की हमेशा उसकी कोशिश रहती थी। वो हमेशा इसी फिराक में रहता कि कैसे दूसरों का व्यापार खराब करे और अपना सुधारे। राजेंद्र अपनी दुकान पर अच्छे अच्छे और ताज़ा नारियल बेचता है।
लेकिन जगदीश लालच में आकर खराब हो चुके नारियल को भी चिल्ला चिल्ला कर राजेंद्र के माल की बुराई करके बेचता था। ले लो भाई, ले लो नारियल, ले लो समुद्रपुर का सबसे अच्छा माल। इसे रस्ते का माल सस्ता समझकर मत लेना। खास आपके लिए चुनिंदा नारियल लाया हूँ, जल्दी करो, आओ आओ। जगदीश के इस तरह चिल्लाने से काफी सारे कस्टमर राजेंद्र की तरफ आते आते जगदीश के तरफ चले जाते हैं और इस तरह से राजेंद्र का बहुत नुकसान हो जाता है। एक दिन राजेंद्र का दोस्त नरेश वहां पर आता है। वो देखता है कि जगदीश अपने नारियल बेचने के लिए चिल्ला रहा था। ये देखकर नरेश उसे कहता है, अरे राजेंद्र, तू तो जगदीश से अच्छे नारियल रखता है, फिर भी लोग उसकी दुकान में ही क्यों जाते हैं यार? यही तो इस समाज का दुर्भाग्य है नरेश। लोग किसी की भी बातें सुनकर उनके बहकावे में आते हैं और बिना जांचे परखे या अपना दिमाग लगाए चीज खरीदते हैं। लोग अक्सर दिखावे पर ही जाते हैं, ये नहीं परखते कि क्या सही है और क्या गलत। तो उसके जैसे ही चालाकी करके तू क्यों नहीं बेचता नारियल? मुझमें और उसमें फर्क है। मैं अपना धंधा चलाने के लिए लोगों की जान से खेल नहीं सकता, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। थोड़ी देर बात करके नरेश अपने घर चला जाता है, लेकिन राजेंद्र के लिए उसके दिमाग में कुछ चलता रहता है। वो दूसरे दिन सवेरे ही अपने घर में रखी एक पुरानी कार निकालता है और उसे मैकेनिक के पास ले जाता है। वो मैकेनिक से कहता है, देखो भाई, इस पुरानी कार का तुम्हें पूरी तरह से मेकअप करना है और इसे नारियल का रूप देना है, और हाँ, याद से इसमें एक टैंकर भी रखना है। दूसरा दिन आता है, नरेश नारियल कार लेकर राजेंद्र के पास जाता है। कार को देखकर राजेंद्र भी चौंक जाता है। नरेश उसे कहता है, देख राजेंद्र, अब पुराने तरीके से धंधा करना छोड़ और नया तरीका अपना। आज से इस कोकोनट कार में फ्रेश कोकोनट वाटर बेचेंगे। राजेंद्र को भी नरेश का यह सुझाव अच्छा लगता है और वो उस दिन से फ्रेश नारियल पानी बेचने लगता है। आइए आइए, फ्रेश कोकोनट वाटर पीजिए और फ्रेश हो जाइए। लोग राजेंद्र की कोकोनट कार देखकर चौंक जाते हैं और उसके दिखने की वजह से उसके पास आकर नारियल पानी खरीदते हैं। इधर जगदीश का धंधा डूबने लगता है। वो राजेंद्र को देखता है और एक तरकीब लगाता है। रात को राजेंद्र की कार के पास जाकर उसके कार में रखा हुआ नारियल पानी टैंकर से चुरा लेता है। ये सब नरेश चुपके से देख लेता है। जगदीश दूसरे दिन चुराया हुआ नारियल पानी अपनी दुकान पर बेचने लगता है। आइए आइए, जल्दी कीजिए, खास मंगवाए हुए नारियल का पानी पीजिए, पसंद आए उसके बाद ही नारियल खरीदे, आइए आइए। ये देखकर लोग मुफ्त में नारियल पानी पीने लगते हैं और उसके बाद ही नारियल खरीदते हैं। नरेश उसकी हरकत देखकर एक आइडिया लगाता है और रात में टैंकर में खराब बदबूदार पानी डालकर रखता है। थोड़ी ही देर में जगदीश राजेंद्र की कार से नारियल पानी चुरा कर लेके जाता है। दूसरे दिन, आइए आइए भाइयों और आप सबकी बहनों, जल्दी से फ्रेश नारियल पानी पी लो। थोड़ी ही देर में जगदीश से नारियल पानी खरीदने लोगों की लाइन लग जाती है। एक आदमी आता है और पानी पीता है, लेकिन उसे पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो जगदीश के मुंह पर पानी फेंक के मारता है और कहता है, अरे ये नारियल पानी है या एरंडे का तेल? इतना घटिया नारियल पानी, जाकर अपने बाप को पिला। बाकी के लोग भी उस नारियल पानी को फेंक देते हैं और मिलकर जगदीश की पिटाई करते हैं, और सभी लोग जाकर राजेंद्र की दुकान से अच्छे और ताजे नारियल लेते हैं। और उस दिन से वो नरेश के साथ मिलकर कोकोनट कार पर ही नारियल के साथ उसका पानी भी बेचता है। कृष्णापुर नाम के गाँव में विजय नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। विजय एक भुलक्कड़ आदमी था। उसे कोई भी काम बीच में ही भूल जाने की आदत थी, जिस वजह से लोग भी उसे भुलक्कड़ विजू कहते थे। विजय के पास एक जायंट रोड रोलर था। जायंट होने के कारण उसे बहुत काम मिलता था। रोड रोलर से वो खेत की ज़मीन को लेवल करना और इमारत गिराना और बड़े पेड़ को तोड़ना जैसे काम करता था। एक दिन पास के गाँव का एक आदमी विजय के घर में आता है और विजय से कहता है, अरे विजय सुनो, पास के गांव में मेरा एक पुराना गोदाम है जो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है। मैं उसे गिराकर वहां नया गोदाम बनाना चाहता हूं, इसलिए तुम कल सुबह आकर गोदाम गिरा देना और उसे अच्छे से लेवल कर देना, ये लो एडवांस। विजय उसे ठीक है कहता है और वो आदमी चला जाता है।
दूसरे दिन विजय रोड रोलर लेकर उस गांव में जाता है, लेकिन उस आदमी ने बताया हुआ एड्रेस याद ही नहीं आता। वो एक जगह रोड रोलर को रोक देता है और एक चाय वाले की दुकान में जाकर चाय पीता है। चाय खत्म होने के बाद वो सोचता है कि उस गांव में वो किस काम से आया। वो पूरी तरह से भूल जाता है और चाय की दुकान के सामने वाले बस स्टैंड से बस पकड़कर वापस गांव चला आता है। इधर जिस जगह पर विजय ने रोड रोलर को खड़ा किया था उसके सामने एक दुकान रहता है। वो थोड़ी देर राह देखता है, जब कोई भी नहीं आता तो आखिरकार वो कुछ लोगों को बुलाकर उनकी मदद से रोड रोलर को धक्का मारकर सामने धकेल देता है। धक्का मारते ही वो रोड रोलर बेकाबू होकर अपने आप चलने लगता है। वो रोड रोलर रास्ते पर आकर स्पीड पकड़ता है। लोग भी उसे देखकर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। चलते चलते रोड रोलर ट्रेन की पटरी पे चलने लगता है। तभी उसके सामने एक ट्रेन आती है। लोग देखकर चिल्लाने लगते हैं। रेलवे क्रॉसिंग वाला गेटकीपर लीवर खींचकर ट्रैक का रास्ता बदल देता है और रोड रोलर दूसरे ट्रैक पर चला जाता है। आखिर में रोड रोलर रेलवे ट्रैक से उतरकर फिर से रास्ते पर दौड़ने लगता है और एक पुराने बंगलों से जाकर टकराता है। रोड रोलर टकराते ही वो बंगलो गिर जाता है। उसका मालिक आता है और वो बंगलों में क्या क्या बचा ये देखने के लिए जाता है। तभी उसे टूटी हुई दीवारों से ढेर सारे सोने के सिक्के नीचे गिरते हुए दिखते हैं। वो बहुत खुश होता है और आजू बाजू वालों को पूछने लगता है कि ये रोड रोलर किसका है। मालिक, ये रोड रोलर तो पास के गांव वाले भुलक्कड़ विजू का है। उस बंगलों का मालिक रोड रोलर लेकर विजय के घर जाता है और कहता है, अरे विजय, तुम्हारी वजह से आज मेरी पुरखों की जायदाद मिली है जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो 10,000 रुपये तुम्हारा इनाम। तुम्हारा रोड रोलर बाहर रख दिया है। रुपये देखकर विजय और उसकी पत्नी चौंक जाते हैं। विजय सोचता है, कमाल है, मैंने रोड रोलर चलाया भी नहीं और मुझे काम के पैसे मिल गए। ये तो कमाल हो गया।